जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। अध्यात्म की गहराई में हम जितना गहरे उतरते हैं हमें अनुभव के उतने ही मोती मिलते हैं। एक आध्यात्मिक धारा में आगे बढ़ते हुए हम निरंतर चिंतन की गहराई में डूब रहे हैं। कल हमने जाना था कि मैं अकेला हूं, आज चिंतन और आगे बढ़ता है और वो कहता है अकेला तो हूं ही सबसे अलग भी हूं। मैं केवल अकेला ही नहीं हूं सबसे अलग हूं। कभी आपने अपने आप को महसूस करने की कोशिश की? अपने आप को अकेला तो प्रायः लोग महसूस कर लेते हैं फ्रस्ट्रेशन की दशा में, जब निरुपाय असहाय ऐसा महसूस करते हैं तो लगता हाय मैं अकेला पड़ गया, मेरे साथ कोई नहीं, कोई मेरा साथी नहीं। लेकिन मैं कभी आपने कभी महसूस किया कि मैं सबसे अलग हूं? जो मनुष्य अपने आप की स्वरूप की पहचान कर लेता है वो कभी जीवन में हताश नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होता। उसके भीतर एक अलग प्रकाश प्रकट होता है जो हर पल उसे अलग होने का आभास देता है। मैं सबसे अलग हूं, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। कभी अपने निरालेपन का अनुभव आपने किया? संत कहते अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, जो तुम हो दुनिया में उसका कोई जोड़ नहीं है, बेजोड़ हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम में वो ताकत है, वो सामर्थ है जो सिर्फ तुम में है। उसे पहचानो, मैं हूं कौन इसे जानो। जब तक तुम उसे नहीं जानते तब तक अपना जीवनोद्धार नहीं हो सकता। मैं कौन हूं इसे पहचानो, जीवन का कल्याण तभी होगा। आप अपने आप को जब कभी भी देखते हो तो किस आंख से देखते हो? कभी आपने सोचा अपने आप को देखते हो कि नहीं? महाराज कैसी बात करते हो, सवेरे उठता हूं तो सबसे पहले दर्पण में खड़ा होता हूं, अपने आप को देखता हूं। देखते हो ना? कौन सी आंखों से देखते हो?
इन आंखों से देखते हो, क्या देखते हो, कैसा लग रहा हूं, ठीक लग रहा हूं कि नहीं, मेरा चेहरा सुंदर लग रहा है कि नहीं, बाल ठीक से बने हैं कि नहीं, दाढ़ी बनाई है ठीक से बनी कि नहीं, मूंछें ठीक है कि नहीं, आप लोग आईब्रो ठीक बनी है कि नहीं, लुक अच्छा आ रहा है या नहीं, कुछ ऐसा ही तो देखते हो। क्या देख रहे हो, अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? तुम अपनी तुलना, अपना मूल्यांकन हमेशा बाहर के रूप से करते हो, अपने रूप से करते हो, औरों के रूप से करते हो। जिससे तुम अपनी तुलना कर रहे हो वो तो सबके पास है, ये तन तुम्हारे ही पास नहीं, सारे संसार के हर तनधारी के पास है, हर देहधारी के पास है। ये रूप केवल तुम्हारे पास नहीं, संसार के हर प्राणी के पास है। तुम किसी के पास इससे जोड़ो, किसी के साथ इसकी तुलना करो, 19-20 सबके साथ मेल बना रहेगा। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पंडित हूं, मैं पागल हूं, ये सब चीजें मैंने अपनी मान रखी, ये तो सब में है, ये सब में है। संत कहते ये तुम नहीं हो। तुम कहते हो मैं धनी हूं, दुनिया में सब धनी है, कुछ ना कुछ धन तो सबके पास है, और कोई धन हो या नहीं, जीवन धन तो है ही, तो धनी होने में तेरी क्या विशेषता। मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, सब में ज्ञान है, ज्ञानी होने में क्या सब विशेषता। मैं बड़ा सुंदर हूं, तो प्रकृति ने सबको सुंदर बना के भेजा है, असुंदर तो यहां होने के बाद बनते हैं हम, बच्चा जन्म लेता है सब सुंदर लगता है, तो सुंदर रूप तो सबके साथ है, क्योंकि जो दिखता है सब रूप है। अब ये बात अलग है, किसी को तुम स्वरूप बना देते हो, किसी को कुरूप। रूप और स्वरूप हो या कुरूप, पहले रूप है, सु और कु तो हमारे द्वारा जोड़े गए हैं, ये तो सब में, ये सब चीजें सब में है, और इनमें तुमने अपनी पहचान की तो तुम्हें अभी स्वयं की पहचान ही नहीं। और जब तक अपना संबंध बाहरी संयोगों से जोड़कर रखोगे सदैव दुखी रहोगे, क्योंकि बाहर के ये जो भी संयोग है सब में समान नहीं है। संयोग समान, उनका स्तर समान नहीं। जो भी तुम्हारे जीवन के साथ संयोग जुड़े हैं, शरीर तुम्हें मिला है, सबको मिला है, समानता है। संपत्ति तुम्हारे पास है, सबके पास है, समानता है। संबंधी तुम्हारे हैं, सबके संबंधी हैं, संसार में जन्म ही बिना संबंध के नहीं होता, इसमें समानता है। हाँ, अंतर हो सकता है, किसी का शरीर बहुत सुंदर हो, किसी का बलिष्ठ हो, किसी का स्वस्थ हो, किसी का बीमार हो, पर शरीर तो है, रूप है, कुछ अट्रैक्टिव हो, कुछ का कम अट्रैक्टिव हो, कुछ बहुत स्मार्ट लगते हो, कुछ बड़े ऐसे ही लगते हो, आर्ट लगते हो, लेकिन रूप तो जुड़ा है। और जिसे तुम स्वरूप मान रहे हो उसे विद्रूप होने में देर नहीं लगती, और जो विद्रूप दिखता है स्वरूप बनने में देर नहीं लगती, ये क्या है। संपत्ति तुम्हारे पास कम, किसी के पास अधिक। संबंधी, किसी के संबंधी बड़े पावरफुल, किसी के कमजोर। इन्हीं को तुम देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे मन में अशांति होगी, उद्वेग आएगा,
आकुलता। क्यों? उसका रूप अच्छा है, मेरा रूप अच्छा नहीं। वो बड़ा सुंदर है, मैं सुंदर नहीं। वो बलिष्ठ है, मैं वीक हूं। वो स्वस्थ है, मैं बीमार हूं। आ गई बात। ये चीजें मैंने अपने अंदर जगाई, मेरा रूप नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं स्वस्थ नहीं, और ये बात, ये विचार मुझे दुखी बनाएंगे। फिर मैं चाहूंगा मेरा रूप निखरे, मेरी शक्ति बढ़े, मेरा स्वास्थ्य हो। संसार में कितना भी रूप निकाल लो, रूप तो निखरता ही नहीं। रूप के बाद तो विद्रूप ही होना होता है, लेकिन हमारा मन इन सब चीजों से जुड़ करके हमें दुखी बनाता है। मेरे पास संपत्ति, उसके पास ज्यादा संपत्ति, मैं वो संपत्ति पालूं तो मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। मैं धनी, वो भी धनी, वो मुझसे ज्यादा धनी, उतना धन मैं पालूं तब मेरा जीवन सुखी होगा। नतीजा ये निकलता है कि मैं अपनी संपत्ति पर तो ध्यान नहीं देता, औरों की संपत्ति को पाने के लिए रात दिन पागल होता हूँ, संपत्ति पाने के पीछे भागता रहता हूँ, लेकिन शांति नहीं पा पाता, जीवन अशांत बना रहता है। रोज का अनुभव। मैंने पहचान की, जब भी मैंने संपत्ति से अपने आप को जोड़ा, मुझे औरों की संपत्ति दिखी, और औरों की संपत्ति जब जब मुझे दिखी, मैं विपत्ति में फंसा, मैं अशांति को भोगा, मुझे वो कष्ट मिला। संबंधी मेरे सामान्य संबंधी हैं, वो बड़े पावरफुल हैं। किसकी पावर कब कम हो जाए, किसकी पावर कब बढ़ जाए, कौन जानता है। लेकिन इन सब बातों में मेरा चित्त 24 घंटे उलझा रहता है, और जब तक इन बातों में उलझे रहोगे तब तक जीवन दुखी रहेगा। क्योंकि तुम जितनी भी चीजों को अपने से जोड़कर देख रहे हो, वो तुम हो नहीं, वो तुम्हारी है नहीं। वो सब सामान्य है, वो सबके पास है, सबके साथ है, और उसके होने में तुम्हारी कोई विशेषता नहीं। तुम्हारी जो विशेषता है, तुम्हारी जो उपलब्धि है, वो तुम स्वयं हो, वो तुम्हारे भीतर है। काश तुम उसे जानते। तुम्हारी जो विशेषता है, तुम्हारी जो उपलब्धि है, वो सिर्फ तुम में है। काश तुम उसे जानते, उसे जानो, उसे जानने की कोशिश करो। तुम क्या हो, तुम कौन हो, इसी का नाम है अनंत भावना। वो कहती है संसार में जो कुछ भी, वो संयोग है, और संयोगों के साथ जुड़ाव रखकर तुम संयोगज भाव रखोगे, उनमें इष्टानिष्ट की कल्पना करोगे, जिंदगी भर दुखी रहोगे, क्योंकि हर पल तुम्हारे मन में कभी हर्ष कभी विषाद होगा। और वो जितने भी संयोग है वे स्थायी नहीं है, पल पल बदलने वाले हैं, और स्वास्थित नहीं है, कर्म से नियंत्रित है, परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हें जो सुखी होने का आधार दिखेगा, पल में दुखी बना देगा। तुम्हें अनुकूल लगेगा, पल में प्रतिकूल बन जाएगा, और तुम दुखी हो जाओगे। ये तो ऊपर का दृश्य है, परिवर्तित होने वाला है, इसमें ज्यादा उलझो मत। ये संयोग है, संयोग को केवल संयोग की भांति देखो, संयोगज भाव मत बनने दो, क्योंकि ये अंततः छूटने वाले हैं। पर क्या बताऊं, मुझे वो ही समझ में नहीं आता। सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, हाय आज तक जान न पाया अपना रूप अनोखा। सब संयोगज भाव दे रहे मुझको धोखा, हाय आज तक जान न पाया अपना रूप अनोखा। पहचानो तुम क्या हो,
अनंत भावना कहती है तुम अनोखे हो, निराले हो, अद्भुत हो, सबसे अलग, तुम्हारे बराबर कोई नहीं, इस दुनिया में तुम्हारी कोई सानी नहीं है। इसकी पहचान तुम कौन हो जानो। आज की चार बातें अनंत भावना के संदर्भ में, मैं कौन हूं, नंबर वन कौन हूं, कभी आपने सोचा मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है, मैंने अभी कहा सबसे अलग हूं, सबसे अनोखा निराला हूं, तो मुझे सबसे अलग करने वाला, सबसे अनोखे रूप में प्रस्तुत करने वाला, सबसे निराले ढंग से बताने वाला आखिर ऐसा कौन सा गुण है जो मेरे भीतर है और जो मुझे सबसे अलग एकदम सुपर स्थान प्रदान करता है, वो क्या है। जिस दिन उसे पहचानोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। किस आधार पर मेरे जीवन में विलक्षणता दिखती है, मेरे अनोखेपन का ये आधार क्या है, बस गहराई में जाओ, वो क्या है। मेरा रूप नहीं मेरा स्वरूप, मेरा धन नहीं मेरा गुण, रूप नहीं स्वरूप, धन नहीं गुण, हम उनकी तरफ कहां दृष्टि देख पाते हैं। स्वरूप क्या है कभी सोचा, मेरा स्वरूप क्या है। अभी आपसे पूछूं तो कह देंगे मेरा नाम तो स्वरूप चंद है। अब स्वरूप चंद को ही अपने स्वरूप का पता नहीं क्या है। वस्तुतः दृष्टि सदैव रूप पर केंद्रित होती है जो पल पल बदलता है। संत कहते हैं स्वरूप को देखो, जिसमें कोई रूप ही नहीं कोई रंग ही नहीं। अहमिको खल शुद्धो दंशन नान मयो सदारूवी नवि अथि मज्झ किंचिवी अन्नम परमानुमित्तम पी। आचार्य कुंद कुंद से पूछो तो वो कहते मेरा परिचय जानो, अहम इको मैं एक अकेला हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, बस मैं ही हूं। पर की तो बात ही नहीं, जब तक पर की तरफ दृष्टि रहेगी दुखी बने रहोगे। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दंशन नानमयी, दर्शन और ज्ञान, देखना और जानना, बस केवल देखना और जानना, उसमें उलझना नहीं, उसमें अटकना नहीं, उसमें फंसना नहीं, वहां रुकना नहीं, ये मेरा स्वभाव है। सदा अरूपी मैं अरूपी हूं, इन आंखों से देखे जाने योग्य नहीं, इन इंद्रियों से अनुभव करने योग्य नहीं, मैं इन सब से परे, रूप रस गंध और स्पर्श सब से परे हूं। नव्याति मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी, अन्नम परमाणु मित्तम पी, मम किंचि नत्थी, मध्य किंचि नत्थी, एक परमाणु प्रमाण भी कोई पर वस्तु मेरी नहीं है। है ये प्रतीति, इस प्रतीति को अपने भीतर जगाना चाहते हो तो बार 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 अनंत भावना का चिंतन करो जो तुम्हें तुम्हारा बोध कराएगी, तुमसे तुम्हारा परिचय कराएगी। अनादि से हमारे भीतर संस्कार जमे हैं अपने आप को देह रूप मानने की, अब मैंने अपनी पहचान बना रखी
मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे गह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये मैंने अपने आप को इस रूप मान लिया, और जब भी मैं अपने विषय में सोचता हूं तो इसी रूप में सोचता हूं, जो कि संयोगी भाव है, कर्म के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, और कुछ देहासित परिणतियां हैं, पर ये तो सब पल पल बदलने वाले, ये मैं कहां, पर मेरा संस्कार यही मानता है, मुझे इसके आगे कुछ और अनुभव करने ही नहीं देता। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। मैंने तो अभी तक देह की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और देह के विनाश को ही अपना विनाश मान रखा है। देह जगत से परे किसी आत्म जगत की ओर मेरी दृष्टि ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भीतर वैसा संस्कार ही नहीं जगा, और इसी वजह से मैं दुखी हूं। हमारे दुख का सबसे प्रबल कारण स्वरूप विषयक अज्ञान। जिस दिन स्वरूप की पहचान हो जाएगी, दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा, अशांति शांति में बदल जाएगी, आक्रंदन आनंद का रूप ले लेगी, और जीवन में जो हाहाकार है वह जय जयकार में बदल जाएगी। बदले स्वरूप को तो पहचाने, तो कैसे पहचाने? बार 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 अनंत भावना का चिंतन करो, इसे गहराओ। मैंने पहले दिन कहा था कि आप जो चाहोगे सो पाओगे, बताया था कि नहीं? फिर भी आप लोग लेने को तैयार नहीं। और हमें भगवान ने कहा था, अधिकृत कर दिया था कि दे दो उदयपुर वालों को जो चाहो सो उसकी पाने की कुंजी, जो चाहो वो पाने की कुंजी तुम्हें दी। पर क्या बताऊं, तुम्हारा भाग्य ही खोटा है कि उस कुंजी से ताला ही नहीं खोल रहे। दी थी कि नहीं दी थी बोलो? बताया था, ये भावना केवल प्रवचन सुनने की नहीं है, इसे गहरे उतर करके भाने की जरूरत है। इस भावना में डूब जाओ, अपने आप को सबसे अलग अपने आत्मस्वरूप के रूप में समझो। मैं देह नहीं देहातीत हूं, मैं रूप नहीं मैं रूपातीत हूं, मैं इंद्रिय नहीं मैं इंद्रियातीत हूं, मैं विषय नहीं मैं विषयातीत हूं, मेरे अंदर राग नहीं देश नहीं मोह नहीं काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं, इन सब से परे मेरी अवस्था है। और ये राजा रंक आदि की जो परिणतियां हैं, ये ऊपर इस शरीर की परिणति है, मैं ये नहीं हूं। इसका चिंतन बार 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 करो, और अपने सबकॉन्शियस में ऐसे संस्कार डालो जो सपने में भी कोई बात आए तो तुम्हें इस बात का ख्याल रहे, मैं देह नहीं हूं। इसी का नाम भेद विज्ञान है। इसी भेद विज्ञान के बदौलत ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। बिना भेद विज्ञान के किसी को मुक्ति नहीं। और भेद विज्ञान एक प्रवचन सुनते ही हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है। प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, किसी किसी को तो दर्शन मात्र से भेद विज्ञान हो जाता है। लेकिन तुम तो इतने दिन से दर्शन कर रहे, इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हो, भेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? लोगों को भेद विज्ञान भले ना हो पर भेद डालने का विज्ञान जरूर है। हम कहां हैं? हमें सोचना है बार 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 बार, ये भावना भाव स्वरूप का चिंतन करो। 10-12 साल के कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों का जो ग्रुप लीडर था उसने कहा मुझे छुओ, तो जाने एक ने उसका हाथ छुआ, उसने कहा तुमने मुझे कहां छुआ, ये तो मेरा हाथ। किसी ने उसकी कमर छुई, बोले लो मैंने छू दिया, बोले मुझे कहाँ छुआ है तो कमर है।
एक ने पांव छुआ, देव ये तो मेरे पांव है। जितने बच्चे छुए तो सबको बोल दे हाथ है, पांव है, कमर है, पीठ है, पेट है, छाती है, सिर है, पांव है, जो बोल दिया सब बोल दिया। सब बच्चे चकरा गए कि क्या चकमा दे रहे हो, हम तुम्हें छू रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि ये है वो है, ये सब क्या मतलब मामला है। बोले देखो मैं तुम सबसे सही बोल रहा हूँ, तुम जिसको भी छू रहे हो वो शरीर के अंग और अवयव है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, उस आत्मा को छूओ तो मैं जानूं। 10 साल की उम्र में एक बच्चे के हृदय के उद्गार, और ये बच्चा कौन था, ये था विनोबा भावे, जो एक बड़े संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उनके बारे में मैंने पढ़ा। 10 साल की उम्र में भी जिस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो, हमारे शास्त्र तो बोलते 8 साल में केवल ज्ञान हो जाए। हम अपने भीतर ये भाव जगाए मैं कौन हूं, अनादि से देहाश्रित बुद्धि है, उसी में रचे पचे हैं, रमे हैं, इसलिए पल पल दुखी हैं, कहने को कह देते हैं, भेद विज्ञान की बातें कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो जाते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि गद्दी पर बैठकर कह रहे हैं भिन्न है भिन्न है भिन्न है भिन्न है, एक मच्छर काटा तो खेद है खिन्न है भिन्न है भिन्न है, क्या है, अंदर की अनुभूति होनी चाहिए। अगर अपने स्वरूप को पहचानोगे तो क्या लाभ होगा, सारा दुख दूर हो जाएगा, सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पड़ोसी को कोई तकलीफ होती है, आपको पीड़ा होती है क्या? ठीक है ये तो होती रहती, भाई लगा हुआ है, जाओगे उसको संबोधोगे, भाई शांति रखो, क्षमता रखो, ये संसार है, ऐसा लगा रहता है, क्यों, पड़ोसी है, और खुद को हो जाए तो। जो पराया है, जिसके प्रति हमें मालूम है कि ये मेरा नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार जिस दिन इस शरीर और शरीर आश्रित अन्य संयोगों को अपने से भिन्न समझ लोगे, उसी दिन से इससे घटित होने वाली घटनाएं तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। फिर तुम्हारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, उनके जीवन में आगत बड़े बड़े दुखों को उनने इस भेद विज्ञान के बल पर कितनी गहराई से जीता, कितने आनंद से जीता, सहजता से जीता। हमारे साथ थे शांतिलाल जी बाबा जी, अभी इन दिनों नेमावर में साधनारत है। उन्होंने हर्निया का ऑपरेशन कराया, बिना एनेस्थीसिया, बिना इंजेक्शन, बिना मेडिसिन, कल्पना कर सकते हैं। वो अपने मामले में बड़े कट्टर, 85 साल की उम्र है लेकिन बड़े पक्के, और ये करीब 15-17 साल पहले, 19-20 साल पहले ऑपरेशन कराया। कोई डॉक्टर तैयार नहीं हुआ, पर कहते हैं जैसे को तैसा मिल भी जाता है। रांची में एक डॉक्टर जी दास थे, बड़े प्रख्यात सर्जन, उन्होंने कहा मैं कर लूंगा, जैनी थे, बोले चैलेंज है मेरे लिए भी। और बिना एनेस्थीसिया के उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ, कल्पना कर सकते हो, लोकल एनेस्थीसिया भी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और चीर दिया। आंतों को सेट करना पड़ता हर्निया में, तो सब कुछ हो गया। मेरे ख्याल से आध घंटे का ऑपरेशन तो होगा ही, आधा घंटा तो लग ही जाता है, और बिल्कुल चंगे, कोई एंटीबायोटिक नहीं लिया, बस हल्दी और दूध पिया, उसी से ठीक हो गए। रेजिस्टेंस खुद के अंदर ज्यादा था। पूछा, बोले जब वो सर्जरी चल रही थी तो कैसा लग रहा था? बोले मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी सर्जरी है, क्योंकि मैं अपने में डूबा हुआ था।
ये अनुभव है, ये वेद विज्ञान है। थोड़ा सा क्या है, कहाँ है, कितना कमजोर है मन। स्वरूप को पहचानिए, मैं कौन हूं इसे जानिए। सारी आसक्ति सारी ममता समाप्त हो जाएगी, और आसक्ति और ममता खत्म हो जाएगी तो दुख तो अपने आप दूर भाग जाएगा, पास नहीं फटकेगा। महापुरुषों के जीवन को देखो, गजकुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी चला दी गई, दूसरी तरफ कहते कीले ठोक दी गई, लेकिन किस पर, मुझ पर कील। अरे जब मुझे कोई छू ही नहीं सकता तो कील कौन ठोकेगा, मुझे जला रहा है। मेरे लिए जब कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता तो जलाएगा किसे। मैं अस्पृश्य हूं, मैं अवध हूं, मैं अस्पृष्ट हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, मैं सबसे अलग हूं। केवल इसको जानने वाला हूं और देखने वाला हूं, ये ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। उस घड़ी ये अन्यत्त भावना ही उनके हृदय में भेद विज्ञान को प्रगाढ़ बनाए हुए थी। इसके बल पर उनने इस दारुण उपसर्ग को, जिसके बारे में सुनने से रोंगटे खड़े होते हैं, सहज भाव से सह लिया। भावना भाना सीखो, अपनी ममता और आसक्ति को मंद करने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं। आज तुम्हारे ऊपर वैसे उपसर्ग नहीं आने वाले, पर उपद्रव तो 24 घंटे चलते हैं। उन उपद्रवों में अपने आप को कैसे बचाओगे, उसे बचाने का केवल यही एकमात्र रास्ता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। डायवर्ट करिए अपने चित्त को, अध्यात्म में यही प्रेरणा देता है, जो हर स्थिति में अपने आप को संभालने का रास्ता बताता है। तो ऐसी भावना को बार बार भाने की आवश्यकता है, निरंतर ऐसी भावना हम भाते रहें, जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित होगा। मैं कौन हूं, बोलो। रोज सुबह उठो, अपने मन से पूछो को हम, अंदर से आवाज आनी चाहिए सो हम। मैं कौन हूं, बस भीतर का जो अरूपी आत्म तत्व है वह मैं हूं, जिसमें कहीं दुख नहीं, दुविधा नहीं, द्वंद नहीं, दोष नहीं, दुर्गुण नहीं, दुर्भाव नहीं। परम आनंद का धाम मैं हूं। और ऐसी चिंतन की धारा हमारे भीतर होनी चाहिए, और जब भी शरीर आदि से आश्रित संयोगों उसमें कुछ उल्टा पुल्टा हो, ये मैं थोड़ी हूं, मुझसे भिन्न है, मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं। निज में पर से अन्यत्र लिए निज समरस पीने वाला। मंगत राय जी ने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा, तू चेतन यह देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े ज्यों पै अरूपानी। तू चेतन आत्मा है, यह देह अचेतन है, यह जड़ है, तू ज्ञानी है, तेरा और इसका संयोग अनादि से है। जैसे दूध और पानी मिल गए, अनादि से मिले हैं, पर यतन ते बिछड़े, थोड़ा प्रयत्न करेगा तो ये पृथक पृथक भी हो जाएंगे। तो दूध में मिले पानी को हटाओ, पानी मिला दूध है तो तुम दूध दूध देखो, पानी मत देखो। मैं बिहार करते करते एक जगह अचानक पानी गिरने लगा, तो एक
चिलिंग सेंटर था, वहाँ कलेक्शन सेंटर भी था मिल्क का। तो लोगों ने बोला महाराज थोड़ी देर यहाँ रुक जाए। तो जब हम लोग रुके तो देखे गांव था, दूध का उत्पादन उधर बहुत होता था, लोग दूध ले लेकर आ रहे थे, नापा जा रहा था, अलग अलग रेट दिया जा रहा था, लैक्टोमीटर से नाप रहे थे। हमने पूछा भैया क्या नाप रहे हो और रेट अलग अलग क्या दे रहे हो? बोले हम ये नहीं देखते कि दूध कितना लाया, हम ये देखते हैं इसमें फैट की मात्रा कितनी है, हम रेट उस हिसाब से देखते हैं। तो दूध होने पर भी हमारी दृष्टि पानी पर नहीं दूध पर होती है। बस जैसे ही एक सम्यक दृष्टि की दृष्टि होती है, देह के साथ ये शरीर के साथ आत्मा दिख रहा है, लेकिन हमें आत्मा को देखना है, शरीर को नहीं देखना, पानी की उपेक्षा करना है, दूध का मूल्यांकन करना है, पुष्टि दूध से होगी पानी से नहीं, यह दृष्टि अपने भीतर जगा। एक विवेक की दृष्टि, कहते हंस के पास एक दृष्टि होती है, नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि। नीर क्षीर विवेकनी दृष्टि का मतलब हंस को दूध और पानी मिला करके दे दो तो हंस केवल दूध पीता पानी छोड़ देता है। उसकी वजह है उसके चोंच में एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, तो उससे वह दूध दूध ले लेता पानी छोड़ देता। हमारे संतों ने हंस को विवेक का प्रतीक बनाया और कहा अपना जीवन हंस की तरह बनाओ, बस सार सार को लो बाकी को छोड़ दो, दूध लो पानी को हटा दो, बस हंस बनो। अभी तो बगुला बने, हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, सनी पंक में चंच हो गए उजले परमट मैले, सनी पंक में चंच हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, सनी पंक में चंच हो गए उजले परमट मैले, कंकर चुगने लगा वही जो मुक्ता चुगता पहले, पर में क्या ऐसा सम्मोहन, पर में क्या ऐसा सम्मोहन जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे, कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे, अवगुंठित कलियों के धोखे कुंठित सूल बटोरे, क्षर में क्या ऐसा आकर्षण, क्षर में क्या ऐसा आकर्षण जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। अंतिम नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, नीर छीर की दिव्य दृष्टि में अंध वासना जागी, गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी, क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। हंस है तुझे मान सरोवर में कीड़ा करना चाहिए, पर तू उसे भूल गया और कीचड़ से सने पोखरों में डुबकी लगा रहा है, अपने पर को मटमैला बना रहा है, अपने चंचू को कीचड़ में लिप्त कर रहा है। इस विषयों के पोखर से हटाओ, अध्यात्म के मान सरोवर में डुबकी लगाओ, इस पर से सम्मोहन छोड़ो और परमेश्वर से नाता जोड़ो जो तुम्हारे भीतर है। ये कमल नाल की तरह संसार के सुख है, इसको कांस के तिनके की तरह संसार के सुख हैं,
कमलनाल हमारे भीतर है। मराल हंस को कमलनाल में ही कीड़ा करना चाहिए, कांस के तिनकों के साथ उसे नहीं जुड़ना चाहिए। अपने आप को मोड़ने की कोशिश करो, तब कहीं जीवन में हम रस ले पाएंगे। अन्यत भावना यही सिखाती है कि तू तो नीर छीर की दिव्य दृष्टि से संपन्न भेद विज्ञानी, और भेद विज्ञानी होकर भी तेरे भीतर वासना का संस्कार उगाया निकल आया। इस वासना के संस्कार से प्रेरित होकर तू यूं ही भटक रहा है। गति का प्रतीक था, जड़ता का अनुरागी बन गया, जो क्षण भर के विषय सुख की प्राप्ति की लालसा में तूने जन्म जन्मांतरों की साधना को भुला दिया। अपने जीवन को सुधार, अपने जीवन को संवार, आगे बढ़, तब तेरा होगा उद्धार, तभी तू जीवन का रस ले पाएगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो पहली बात, मैं कौन हूं, जानते ही दुख दूर होगा। स्वरूप का बोध होते ही अज्ञान मिटता है, और अज्ञान की निवृत्ति से दुख दूर हो जाता है। तो मैं कौन हूं, सबसे पहले इसे जानो। दूसरे नंबर पर, मेरा क्या है, क्या है मेरा, कभी हिसाब लगाया? असेसमेंट तो करते ही होंगे, मेरा क्या है। महाराज हर साल रिटर्न भी भरते हैं, असेसमेंट होता रहता है। ये तो बाहर की चीजें हैं, ये तुम्हारी कहां। यस्यास्ति नैक्यम बुभुक्षापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे पृथक्ते चर्मणि रोम कूपा कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। जब इस शरीर के साथ भी तुम्हारा ऐक्य नहीं है, तो धन संपत्ति परिजन परिवार ये सब तुम्हारे कहां। मुगालते में मत रहो, जिन्हें तुम मेरा 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 रटते हो, एक परमाणु भी तेरा नहीं है। तेरा जो है वो तेरे भीतर है, जो तू है वही तेरा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अन्यत्र भावना की भावना भाने से ये पता लगता है ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये तो सबका है। जो सबका है वो मेरा नहीं हो सकता। मेरा केवल वही है जो सिर्फ मेरा है, वो है मेरा स्वरूप। ज्ञान दर्शनात्मक चिदानंदात्मक स्वरूप वो मैं हूं, वही मेरा है, क्योंकि उसका और मेरा नाता अनादि का है, अनंत काल तक रहेगा। बाकी तो आते हैं और जाते हैं, रोज संयोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, उन्हें मैं मेरा कैसे मानूं। मुझसे उसका कोई संबंध नहीं, मेरा वही है जो मेरे साथ सदा से है और सदा रहेगा। ये तो पर्याय है संयोगी, आती है जाती है, पल पल बदलती है, उत्पन्न प्रध्वंसी है, इन्हें मैं कैसे मेरा मानूं, इन्हें मैं कैसे मेरा मानूं। कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। मेरा क्या है ये पहचानूं। अच्छा थोड़ा सोचो, आप जिनको मेरा 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 बोलते हो, कभी उन चीजों से पूछा कि वो तुम्हारे होने को राजी हैं कि नहीं। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, जिनको तुम कह रहे हो वो कह नहीं कि हम तुम्हारे होने को राजी हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। उन्होंने लिखा कि मैं अपने एक धनी मित्र के से मिलने के लिए गया एक लंबे अंतराल के बाद। उसने बड़ा सारा मकान बनाया, अपना मकान बनाया, मकान दिखाया, बड़े बाग बड़े ठाट सब कुछ दिखाकर पूछा, आया पसंद मेरा घर। मैंने सहमति के लिए सिर हिलाया ही कि देखा मकान मुस्कुरा रहा था। मैंने सिर हिलाया कि देखा मकान मुस्कुरा रहा था,
मैंने पूछा, क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। क्यों जी तुम क्यों हंसे? बस यूं ही तुम्हारे मित्र की बात सुनकर हंसी आ गई। इसमें हंसने की क्या बात है? अजी इसमें हंसने की सिवाय बात ही क्या है? इसमें हंसने की क्या बात है? अजी इसमें हंसने की सिवाय बात ही क्या है? कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। अजी इसमें हंसने की बात क्या है? कहता है मेरा घर मेरा घर मेरा घर। तो फिर क्या, यही इसका बाप कहा करता था और वही उसके बाप का बाप। जाने दोनों न जाने कहां चले गए, उनकी तस्वीरें मेरे दीवारों पर जरूर टिकी। दोनों न जाने कहां चले गए, उनकी तस्वीरें मेरी दीवार पर जरूर टिकी है, जिन्हें एक छोटे से छेद में रहने वाली नन्ही सी दीमक भी कुछ ही पल में नष्ट कर सकती है। मैंने देखा मकान अब भी मुस्कुरा रहा था। बधो समझने की बात है, मकान क्या, दुनिया की वे सारी चीजें जिन्हें जोड़ने के लिए तुम पूरी जिंदगी खपा देते हो, मनुष्य की नादानी पर हंसती है कि अरे ये इसकी है कहाँ जिसे अपना मान रहा है। जो है उसे वो पहचानता नहीं और जिसे अपना मान रहा है वो उसकी है नहीं। अपने आप को पहचानो, अपनी निधि को जानो, मैं कौन हूं मेरा क्या है। जिस दिन जान लोगे सारी मोह माया सिमट जाएगी, आसक्ति खत्म हो जाएगी, फिर जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। जड़ में जाने की कोशिश कीजिए, गहराई में उतरिए। मैं कौन हूं मेरा क्या है, अनंत भावना बताएगी। और जब मैं और मेरे का पता लग जाएगा तो तीसरा सवाल, मैं क्या कर रहा हूं। और चौथी बात, मुझे क्या करना चाहिए। क्या कर रहा हूं, किसी से पूछो भैया क्या करते हो, महाराज जॉब करता हूं। कोई कहता है बिजनेस करता हूं, कोई कहता अभी महाराज घर पे बैठा हूं। इसके अलावा ये जो तुम कर रहे हो क्या है? संत कहते गोरख धंधा है, और क्या है? गोरख धंधा तो तुम अनादि से करते आए हो, यही करते रहोगे, ये करने योग्य कार्य नहीं है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो अपने जीवन को संवारने का उद्यम करो। यदि तुम्हें कुछ करना है, अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करो, तब तुम्हारा करना सार्थक होगा। मुश्किल ये है कि तुम बात तो करते हो जीवन को संवारने और सुधारने के, और जो काम कर रहे हो सब जीवन को बिगाड़ने के हैं। उल्टी चाल चलकर कभी अपने गंतव्य तक कैसे पहुंच सकोगे? उल्टी चाल मत चलो, सीधी चाल चलने की कोशिश करो। मैं क्या कर रहा हूं ये देखो। तो फिर महाराज क्या करें, आप जैसे महाराज बन जाए क्या? तो बनना होता तो अभी तक तो बन गए होते, मैं किसी से पूछ के महाराज थोड़ी बना, पूछने वाला महाराज नहीं बनता। ये तो अपनी अंतरात्मा की पुकार है, जो बन गया सो बन गया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, संत बनो ये तुम्हारा सौभाग्य है, पर संत न बन सको तो कोई बात नहीं, सज्जन तो बनो, अपने जीवन का रस तो लो, जीवन की पहचान तो करो, जीवन को सही दिशा तो दो। इस मोह माया के उलझन में उलझकर अंततः पाओगे क्या? अपने आप को पहचानो, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जो कुछ मेरे द्वारा करने योग्य है वो मुझे करना चाहिए। सबसे पहले मुझे अपनी आत्मा के हित का उद्योग करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, बहुत कठिनाइयों से मिला है। किस लिए मिला?
इतना बड़ा अवसर तुम्हें मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको खोगे तो फिर क्या पाओगे? चांस मिले और चूक जाओ तो जीवन का कोई मजा नहीं। जो करना चाहिए वो करो। एक आचार्य ने लिखा कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला, नो धत्तम किल मानुषम वर्मिदम चित्ताभिरामस्त्रिये, नो धत्तम किल मानुषम विदम वर्मिदम लाभाय पुत्राय मित्राय वा, नो धत्तम कुल मान किल मानुषम वर्मिदम लाभाय लक्ष्मे सता, किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानुषम। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला? रमणियों के साथ रमने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। पुत्र और मित्र में उलझने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। लक्ष्मी के संचय के लिए, लक्ष्मी के लाभ के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। धन संपत्ति जोड़ने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। तो किसके लिए मनुष्य जीवन मिला? किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधे, संसार सागर से अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो तुम्हें जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला वो कर रहे हो या नहीं, इसका विचार करो। नहीं तो एक दिन होगा बोझा धोते धोते ही बिदर निकल गई सारी जिंदगी, निकल जाएगी जिंदगी, तो निकल गई है, पहली जिंदगी नहीं निकली, अनंत निकल चुकी है, ये भी निकल जाएगी। संभलो संभालो अपने जीवन का देश सुनिश्चित करो। अवसर एक बार निकल जाने के बाद दोबारा लौट कर नहीं आता, और जिस पल तुम्हारे हृदय में भेद विज्ञान हो जाए उसी क्षण तुम्हारे जीवन में हलचल मचना शुरू हो जाएगी, एक स्वाभाविक परिवर्तन घटित होगा अंतः प्रेरणा से। जैसे जैसे मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध होता है उसकी प्रवृत्ति में सहजता प्रकट होने लगती है। उस स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये चार सवाल सुबह आंख खोलते ही अपने मन से पूछो, गहराई में डुबाएंगे, जीवन को सही दिशा के लिए प्रेरणा बनेंगे और जीवन में परिवर्तन घटित होगा। बार 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 विचार करना चाहिए। जब मैं संघ में नया नया आया, सामायिक आदि में बैठता था, अभ्यास तो कुछ था नहीं, भाव था, वैराग्य था, लेकिन अभी कोई साधना तो थी नहीं, और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पल में अपने मन को बदल दिया, मन भागता था। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मन भागता है कैसे, स्थिरता लाए, मजा नहीं आता सामायिक आदि में भी। उन्होंने एक कारिका सुनाई, उसका अर्थ बताया और कहा इसे हृदयंगम कर लो, याद कर लो नहीं, हृदयंगम कर लो। आप लोगों को वो कारिका सुनाता हूं, आप भी उसे हृदयंगम करने का प्रयास करना। कोहम कीदृक गुणः, कोहम कीदृक गुणः, क्वत्य किम प्राप्य है, किन निमित्त का है, इत्तुहम प्रत्यहम नोचे दन्न स्थाने मतिर भवे। ये छत्र चूड़ामणि की कारिका, वो तो बाद में पढ़ाया, गुरुदेव ने ही नहीं बताया, बोले इसे हृदयंगम करो। को हम, मैं कौन हूं, किद्र गुणा मेरा गुणधर्म क्या है, क्वत्य मैं कहां से आया हूं, किम प्राप्य मुझे क्या पाना है, कि निमित्त का किस निमित्त से मैं यहां आया हूं,
इति ऊहम, इस प्रकार के ऊहा यानी प्रश्न को प्रत्यहम नोचेत, अपने मन से यदि नहीं पूछोगे, अन्य स्थाने मतिर भवे, इधर उधर चित्त डालेगा, अपने मन को अपने में रमाना है तो रोज उठो और अपने मन से सवाल करो। आचार्य गुरुदेव ने इसी भाव को अपने निजानुभव शतक में इन शब्दों में लिखा, मैं कौन हूं, किधर से कब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं, मैं कौन हूं किधर से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं, ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, तबलो मिले न तुझे वह मुक्ति रानी। अगर उस मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो, दुखों से अपने आप को बचाना चाहते हो, तो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए, इसका विचार नियमित होना चाहिए। अध्यात्म ही वो शक्ति है जो हमें बलवान बनाती है, दुखों से को सहने में समर्थ बनाती है और अपने जीवनोद्धार के लिए हमारा आधार बनती है। तो वो आध्यात्मिक शक्ति, वो आध्यात्मिक प्रेरणा हमारे भीतर जगे, ये 12 भावनाएं हमारे लिए उसी संजीवनी का काम करती है। बस इसे आप सुने, और सुने ही नहीं गुने, गहराई में जाने की कोशिश करें, जीवन की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। बंधुओं, जैसा कि अभी बताया गया, मुझसे कहा जा रहा था, महाराज ये आध्यात्मिक धारा तो आपकी चल रही है, कुछ हट करके भी होना चाहिए। हमने कहा भैया मैं तो जो कुछ भी करता हूं हटके ही करता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कुछ भी हूं हटके ही हूं, और मैं ही नहीं आप सब हटके हैं, फिर भी महाराज कुछ अलग। तो हमने कहा ठीक है भैया, महाराज कुछ ऐसा कार्यक्रम दीजिए जो पूरे परिवार में आने वाले बिखराव को रोक सके। हमने कहा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो आने वाले जो प्रवचन माला हो वो पूरी की पूरे एक सप्ताह तक केवल परिवार और परिवार की अंतरंग बहिरंग व्यवस्था को सुधारने पर केंद्रित विषयों पर रखा जाए। उसके पूरे टाइटल्स दे दिए गए हैं, आप लोगों के सामने समय पर प्रकाशित हो जाएगी, रविवार को आ जाएंगे। आप सबसे मैं केवल ये कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपके घर परिवार में शांति और प्रसन्नता की महक हो तो उसे मिस मत करना। 13 तारीख में अब ज्यादा दिन नहीं है, 9 दिन बाकी है, लेकिन अभी से लोगों को बता देना कि 13 तारीख से 25 तारीख तक पर्युषण के पूर्व जो एक प्रवचन माला है, उस प्रवचन माला को कोई छोड़े नहीं, उसको गहराई से आत्मसात करे और अपने जीवन में बदलाव घटित करे। निश्चित हम तो आपको केवल सूत्र दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने स्वीकार लिया तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित होगा। वो पूरा का पूरा परिवार एक ऐसा, वो पूरी की पूरी श्रृंखला जो 12 दिन की है, जिसमें बीच में स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी आएगी, और बाकी जो पूरे के पूरे हैं परिवार पर केंद्रित, वो एक आध्यात्मिक विश्लेषण जो हमारे जीवन में आने वाली सारी समस्याओं के समाधान की कुंजी बनेगी। इसलिए आज से ही जो आप यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं और घरों में बैठ करके सुन रहे हैं, अपनी मानसिकता बना करके चलें और इसके बारे में उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ जिन्हें आज इसकी आवश्यकता हो। इसलिए इसका भी आप सब ध्यान रखेंगे, समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन।
अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100004 3, IFSC कोड BKID 000489। गुणायतन गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।